विधानसभा हलका बंगा श्रोमणी अकाली दल दे उम्मीदवार मक्खन सिंह ताहरपुरी संपेक बीमारी कारण सदमी विछोड़ा दे गए। उन्हां दे अंतिम संस्कार पिंड ताहरपुर जिला शहीद भगत सिंह नगर च अरदास उपरंत किया गया। इस मौके चौधरी मोहन लाल बंगा, कुलजीत सिंह सरहाल, जत्थेदार हजूरा सिंह, दविंदर सिंह खालसा, मनजीत सिंह भंगड़, अनूप सिंह, हरबेल सिंह, सुरजीत सिंह, मनोहर लाल बहराम, मरमजीत लंबरदार, गुरमेल सिंह, धार्मिक, समाज सेवी, राजनीतिक आगू ते इलाके वासी भारी गिनती विच शामिल सन। शान न्यूज़ तो कैमरामैन डिंपल दे नाल अजय सिंह नागी दी रिपोर्ट। अज असीं तुहानूं बहुत दुख दी खबर दस्सण जा रहे हैं। ਸਮੋਨੀ ਕਲਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬੰਗਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਾਰਪੁਰੀ ਸੰਕੇਪ ਮਾਨਿਕਾ ਨੇ ਸਵੀਦੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਪਿੰਡ ਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੌਧਰੀ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਬੰਗਾ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਲ, ਹਜੂਰਾ ਸਿੰਘ ਪੈਲੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਗੂ ਸਨ। ਕੈਮਰਾ ਡੈਪਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ। जी का खालसा वाहिगुरू जी फतेह। अज बड़ी दुख की घड़ी है, बड़ा दुख का समा, बड़ी माड़ी खबर सुनने मिली है कि मक्खण सिंह तारपुरी श्रोमणी अकाली दल अमृतसर का योधा वर्कर सी, जिन्हें बहुत ही गरीबी के बच्चे होंदे होया भी बहुत बड़िया उपलब्धियां कीतियां। इन्हां दे जान नाल सानू पार्टी नू बहुत घाटा पिया, तो इलाके नू बहुत घाटा पिया। सरदार सिमरजीत सिंह वालों भी इस दुख की घड़ी में दुख प्रगट करते हुए परिवार नाल दुख साझा करते हैं। सो परमात्मा इन्हां दी आत्मा नूं अपने चरणों में निवास बख्शे ते पिछे परिवार नूं भाड़ा मिलने का बल बख्शे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज मैं समझदा कि पग्गे हल्के दे लई और पंजाब दी इस पवित्र धरती दे लई बहुत मंदभागा दे लई साडा एक प्यारा मित्र इस दुनिया तो कूच कर गया, जिदे जान नाल इस हल्के का बहुत बड़ा लॉस होया जो कभी भी जिंदगी पूरा करना बहुत मुश्किल है। इस सरदार मक्खण सिंह ने एक गरीबी दे विच अज दी गरीबी च जन्म लिया और उस तो पिछे जवानी चण के राजनीति च पैर रखिया। तो मैं समझदा कि सब तो पहला इन्हें जनता दल पार्टी ने ज्वाइन किया, कुछ समा वो सेवा की। इस सरदार मक्खण सिंह की पहुँच जनता दल के राष्ट्रीय प्रधान एस आर गोगोई तक बनी। साढ़े नाल बहुत लंबा समा 35-40 साल तो पुरानी दोस्ती रखता आ। उस तो पिछे चलो विचारा की गल हों, कुछ समा आया इन्हें पार्टी चेंज करके अकाली दल मान आया और इतने बहुत चंगी सेवा निभा रहा सी, क्योंकि ये मक्खण सिंह दे किसी एक पार्टी ना रिलेशन नहीं सी, हरेक पार्टी के बड़े तो बड़े दिग्गज नेता के नाल ये संबंध सी। तो मैं तो इस गल की बड़ी समझ सोच नहीं आ रही कि इन्नी गरीबी चो निकल के बंदे दे एडे वे रिलेशन बनने, ये कोई कुदरत का ही ये सिर पर हाथ से। पर अज जो कुदरत ने भाड़ा परताया ये बहुत देख के दुख महसूस होता है। एक यहोजा सज्जन चला गया जिन्हें इलाके के लिए अच्छे काम किए। वाहे खालसा वाहे। तारपुरी के अंतम संस्कार से इकट्ठे हुए हैं। इस बंदे ना परसों गलबात हुई है नवा शहर, तो मैं ठीक ठाक है। मैंने कहना बापू मैं बीमार हो गया। मैं काका को मेरे लग सेवा दस, को पैसे धेले की लोड़ है, मैं आ जाना। कहना नहीं, परसों मैंने छुट्टी मिल जानी। पर इस चीज़ का नहीं पता कि इन्नी छेती रंगले सज्जन की मौत हो जानी है। बहुत वधिया इंसान से, बड़ा लायक इंसान से, पर जिहड़ी चुस्ती बुस्ती सी वो आम बंदे च नहीं हो सकती। श्रोमणी अकाली दल अमृतसर नूं मेरा ख्याल जिहड़ा घाटा बंगे च पै गया ना वो पूरा नहीं हो सकता। कला बंगिया दे सानूं तां लगदा वी जिद्दां वी पूरा घाटा इस समाज नूं पै गया। नहीं बिल्कुल, पूरे पंजाब दे विच पूरे जिहड़े इहो जिहे एक्टिव बंदे हुंदे ना बहुत घट हुंदे, एक्टिव बंदे बहुत घट हुंदे आ, क्योंकि बंदे तां बहुत ज़्यादा हुंदे आ, सारा संसार ही मतलब बंदिआं नाल भरिआ। पर पार्टी प्रति वफादारी जां होर कुछ लोगों प्रति वफादारी जा जड़ी ये कोई किसी चीज़ की कोई किंतु परिंतु नहीं की जा सकती। आम बंदे यहोजे पार्टी में भी नहीं मिल सकते।
साढ़े बहुत ही सत्कारयोग साढ़े वीर मक्खण सिंह तारपुरी जी जोड़े बड़े लंबे समय तो समाज की सेवा कर रहे थे और उन्होंने हमेशा हक सच पर पहरा दिता, हमेशा सच की लड़ाई लड़ी, गरीबों को इंसाफ दवाने वास्ते, गरीबों की जरूरत पूरी करने लिए उन्होंने पंजाब सरकार देश की सरकार तक अपनी जी है वो मंगा उठाइया और बहुत सारे लोगों की उन्होंने दुख सुख के सहाय होकर जोड़ा लोगों का फायदे भी किए और हमेशा जोड़ा वो संघर्ष में ही उन्होंने जीवन रहा और साढ़े ना भरावान वह पुरा प्रेम से पार्टियां के बखरेवे हो सकते लेकिन समाजिक तौर पर असं सारे एक इकट्ठे रहे हैं। थोड़े दिन पहला ही इकट्ठे बैठ के असी चाह पीती और सारिया विचार कीतिया लेकिन ये बड़ा दुखदाई खबर कल मिली है कि साढ़े को विछड़ गया कुछ समा बीमार रहने तो बाद। मैं समझता कि जिते पंजाब समाज में घाटा पिया उत्थे सानू निजी तौर पर भी बड़ा घाटा पिया क्योंकि साढ़े इस गरीब समाज चो जो लोगों को साधन नहीं वो ये समाज सेवा के लिए काम करते और जोड़े गरीबी हालत में रह के भी जी है अपने परिवार का जोड़ा अपना भावक नुकसान उठा के भी लोगों के हकों वास्ते लड़ाई लड़ते उन्होंने मक्खण सिंह तारपुरी जी किसान उन्होंने विछोड़े न बहुत व्डा घाटा समाज में पे महाराज उन्होंने आत्मा शांति बख्शे पिछले परिवार को समाज में भाणा मन की शक्ति देवे बल देवे इन्नी बेनती करता वाहिगुरू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.